फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, प्राचल विचरण विधि द्वारा जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये पढ़ने वाले हैं। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम उसके मेथड पढ़ते हैं, किस तरह से मेथड क्या है, इसमें हम क्या करना होता है ये देखते हैं। सबसे पहले जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सेकेंड ऑर्डर की वो होती है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। इक्वेशन फर्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे पी क्यू तथा आर जो होते हैं वो एक्स तथा वाई के कोई फलन होते हैं। इस तरह ये हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई होगी। अब हम इसके लिए प्राचल विचरण विधि के लिए सॉल्व करने के लिए माना वाई बराबर ए एक्स प्लस बी वाई, माना ए यू प्लस बी वी, सॉरी ए यू बी वी इसका पूरा खलन है। इसका ये पूरा खलन है कि सी एफ है, सी एफ है। सी एफ के लिए क्या चाहिए हमें, जो कि आर है। सी एफ क्या होता है, सी एफ में जो इक्वेशन होती है उसमें आर इक्वल टू जीरो होता है, तो उसको इसको सॉल्व करने पर हमारे पास सी एफ आ जाता है। अब हमारे पास ये आ गया, तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ये पूरा फलन माना है हमने। तो अब अगर y की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें तो ये आ जाएगा a डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू, जहाँ a कॉमन आ जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे साथ ही आ जाएगा b डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वी इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ए तथा बी को इस तरह से लिया कि ये दोनों जीरो के इक्वल नहीं है। अब इस कंडीशन में ए तथा बी दोनों जीरो नहीं है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर टू दे देते हैं, एंड डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वी इक्वल टू जीरो। फ्रेंड्स ये हमारे पास जीरो तभी होगा जब ये दोनों जीरो होंगे, तो इसके लिए हमने दोनों को जीरो के इक्वल मान लिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर टू एवं थ्री दे दिया। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे हमने वाई बराबर ए यू प्लस बी वी, इसको हमने सी एफ माना है, तो ये तो क्लियर है कि ये अपने सी एफ माना है, तो ये इसका पूरक फलन तो होगा नहीं। अब हम इसका जो पूरक फलन ज्ञात करते हैं उसके लिए हम पूरक फलन मान लेते हैं, लेट वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी ए यू प्लस बी वी इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स हमने मान लिया कि वाई बराबर ए यू प्लस बी वी है, इसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर ये वाई बराबर ए यू प्लस बी वी कंप्लीट सॉल्यूशन है और ए तथा बी यहाँ पर कोई भी एक्स के फलन है, अब हमने ये मान लिया, तो इसके लिए ये अगर कंप्लीट सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो वो निकालते हैं हम, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहले ए को छोड़ दिया डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू को छोड़ दिया डी ए अपॉन डी एक्स प्लस बी को छोड़ दिया डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी को छोड़ दिया डी वी अपॉन डी एक्स। अब हमने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला फ्रेंड्स, तो वो इस तरह से आ जाएगा अपने पास। फ्रेंड्स वो निकालने के लिए हमें, उससे पहले हम ये देखते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हमें यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया। अब हम ये तो बी दोनों जो है अननोन फंक्शंस हैं, इसलिए हमें कोई दो समीकरण चाहिए होंगे कि जिससे हमें ए और बी का मान निकल जाए। तो इससे हम एक समीकरण यहाँ से हम ले लेते हैं, इसको हम ए तथा बी को इस प्रकार चूज करते हैं कि यू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस वी डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो हो। हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, अगर ये इक्वल टू जीरो होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी एक्स प्लस बी
डी वी अपॉन डी एक्स। फ्रेंड्स ये आ गए हमारे पास अब, तो अब इसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 सॉरी 4, इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं इसको। इसके बाद हम ये निकालते हैं, तो अब इसको निकालने के लिए फ्रेंड्स इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो वो हो जाएगा मेरे पास ए डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी एक्स डी ए अपॉन डी एक्स प्लस बी डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बी अपॉन डी एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स। ये आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, इक्वेशन नंबर 8 दे देते हैं इसको। अब ये वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर मतलब जो वैल्यू हमारे पास 5 सॉरी इसको 6 दे रहे हैं, इक्वेशन 6 में इक्वेशन 5 में ये वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में रिपोर्ट करनी है। तो इसमें वैल्यू पुट करने पे ये वैल्यू हम पुट करते हैं, तो ये आ जाता है अपने पास फ्रेंड्स ए यू टू, यू टू यहाँ पे है डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसी तरह प्लस बी वी टू, यहाँ वी टू यानी है डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन बी वन प्लस सॉरी ए वन यू वन एंड बी वन वी वन। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है कि यहाँ पे जो टू टू ये दिखा रहा है कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट इसको एक बार किया है, इसको टू को तो डिफ्रेंशिएट दो बार किया है, ए वन यानी इसको डिफ्रेंशिएट एक बार किया है एक्स के रेस्पेक्ट में। इसी तरह प्लस बी ए यू वन प्लस बी वी वन प्लस क्यू ए यू प्लस बी वी इक्वल टू आर। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे इनमें से ए कॉमन लेते हैं, ए कॉमन लेते हैं सभी से, तो ए यहाँ से आ जाएगा, तो यू टू प्लस ए यहाँ से आ जाएगा यू वन, तो पी यू वन यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास प्लस क्यू यू। एंड फ्रेंड्स प्लस अब बी कॉमन लेते हैं, तो बी कॉमन आने पर ये आ जाएगा अपने पास वी टू प्लस पी वी वन यहाँ से एंड प्लस यहाँ से आ जाएगा अपने पास बी कॉमन तो क्यू बी। ये आ गया फ्रेंड्स अपने पास। अब जो बचा है वो बचा है अपने पास, ए वन यू वन एंड बी वन वी वन। ये बचा है ए वन यू वन प्लस बी वन वी वन इक्वल टू आर। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 से। क्वेश्चन नंबर 2 3 क्या कहती है, यू टू प्लस पी यू वन प्लस क्यू यू इक्वल टू जीरो, वी टू प्लस क्यू वी वन प्लस क्यू वी इक्वल टू जीरो। यानी कि यहाँ पे यू टू पी यू वन प्लस क्यू यू एंड वी टू प्लस पी वी वन क्यू वी ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो हमारे पास जो बच के आया है वो आया है ए वन यू वन प्लस बी वन वी वन इक्वल टू आर। फ्रेंड्स इसको हम क्वेश्चन नंबर 7 दे देते हैं। अब फ्रेंड्स हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, एक इक्वेशन ये आई थी हमारे पास, दो इक्वेशन थी यू यू ए वन प्लस वी बी वन इक्वल टू जीरो। जो सेकंड एक क्वेश्चन थी एक थी वो है यू ए वन प्लस वी वी वन इक्वल टू जीरो एंड ये इक्वेशन है ये अपने पास ए वन यू वन प्लस वी वन इक्वल टू आर। ये फ्रेंड्स हमारे पास दो इक्वेशन है और यहाँ पे हमारे पास दो ही अननोन है, वो अननोन है ए वन एंड वी वन। ये हमें वैल्यू निकालनी है, इस ए वन एवं वी वन की वैल्यू निकालने के लिए फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रेंड्स यहाँ से वैल्यू यहाँ से हम ए वन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो आ जाती है अपने पास माइनस वी बी वन अपॉन यू। यहाँ से फ्रेंड्स ए वन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई माइनस वी बी वन अपॉन यू। अब ये ए वन की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये आ जाती है अपने पास माइनस वी बी वन अपॉन यू और यू वन ऊपर है प्लस बी वन वी वन इक्वल टू आर। या हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं बी वन अगर कॉमन ले लें तो बी वन ये कॉमन आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे बी वन कॉमन आने के बाद माइनस वी यू वन अपॉन यू प्लस वी वन
इक्वल टू आर। अब फ्रेंड्स ये आ चुका है हमारे पास। जब अब इसको हम एलसीएम ले लें तो बी वन ये आ गया माइनस वी यू वन प्लस वी वन यू अपॉन यू इक्वल टू आर, सॉरी बी वन यहाँ मल्टीप्लाई में, तो बी वन बराबर आ गया अपने पास फ्रेंड्स यू आर अपॉन वी वन यू माइनस वी यू वन, ये आ चुका है हमारे पास फ्रेंड्स बी वन आ चुका है। इसी तरह हमारे पास अभी यहाँ पे वी वन की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें हम तो हमारे पास ए वन बराबर आ जाएगा, वो ए वन आ जाएगा, वो आएगा अपने पास फ्रेंड्स यहाँ पे हमने वी वन की वैल्यू पुट की है तो माइनस वी अपॉन यू, और बी वन की वैल्यू है यू आर अपॉन वी वन यू माइनस वी यू वन, ये अपने पास ये वैल्यू है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है ए वन इक्वल टू यू से यू कट जाएगा तो माइनस वी आर अपॉन वी वन यू माइनस वी यू वन, या फिर से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए वन अपॉन माइनस बी बराबर बी वन अपॉन यू इक्वल टू आर अपॉन वी यू वन माइनस वी, सॉरी सॉरी फ्रेंड्स वी वन यू माइनस वी यू वन, ये आ गया हमारे पास, ये इक्वेशन आ चुकी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम यहाँ से हम इसको सॉल्व करने के लिए हम ए वन को क्या सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं इस इक्वेशन से हम ए वन बराबर क्या होगा अपने पास, ए वन बराबर ये आया था इक्वेशन से ए बराबर अपने पास आ जाएगा, ए के लिए हम सिंपली इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करने पर यह आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का साइन बाहर वी आर अपॉन यू वी वन माइनस वी यू वन इक्वल टू, हम मान लेते हैं इसको एफ एक्स प्लस सी वन आ गया। इसी तरह बी बराबर अपने पास आ जाएगा, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यू आर वी वन यू माइनस यू वन वी ऑफ डी एक्स इक्वल टू मान लेते हैं इसको एफ टू एक्स प्लस सी टू आया है। तो फिर हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है वाई बराबर, वो सॉल्यूशन आ गया हमारे पास यू एफ वन एक्स प्लस वी एफ टू एक्स प्लस सी टू वी, सी टू सॉरी सी वन यू प्लस सी टू वी, फिर ये हमारे पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें याद रखने में डिफिकल्टी होती है कि वी वन यू माइनस यू वन वी, इसको कैसे याद रखें, इसको याद रखने के लिए सबसे सिंपल तरीका है इसको हम यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं यू वी यू वन वी वन यू वन, ये इसको जैसे यू वी वन माइनस वी वन यू, यही आ गया अपने पास यू वी वन माइनस वी वन यू, सॉरी यू वन वी, ये आ चुका है अपने पास इसको सॉल्व करने पे जिस इक्वल नॉट जीरो। इसको फ्रेंड्स हम रोन्सकिन से रोन्सकिन कहते हैं, रोन्सकिन, और फ्रेंड्स ये हमारे पास कई बार हमारे पास कंपटीशन एग्जाम में सिर्फ ये पूछ लिया जाता है इसका रोन्सकिन निकालो, तो रोन्सकिन निकालने का सिंपली मेथड है यू यू वी एंड यू वन वी वन का मोड निकाल दो, इस मैट्रिक्स का मोड निकालने पर हमारे पास रोन्सकिन आ जाता है।
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, जो कि हमको उदयपुर में पूछा गया है 2004 में, राजस्थान में पूछा गया है 10-12-14 में, बीकानेर में 12 में पूछा गया है। अब फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का हमें गुणांक एक चाहिए होता है, तो इसके लिए इसका गुणांक वन बनाने के लिए हम सिंपली एक्स स्क्वायर दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाता है अपने पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस। फ्रेंड्स इसको हम इससे भी कर सकते हैं, और सिंपल करने के लिए इसको और सिंपल करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर जेड बराबर लॉग एक्स ले लें, जेड बराबर लॉग एक्स आने पर हमारे पास सिंपली जो होता है वो इस तरह बदल जाएगा डी क्वेश्चन डी माइनस वन प्लस डी माइनस वन वाई इक्वल टू जेड बराबर लॉग एक्स लिया है फ्रेंड्स, तो एक्स बराबर आ गया ई की पावर जेड, तो ये आ चुका है अपने पास। फ्रेंड्स हम सी एफ निकालने के लिए कर रहे हैं, तो सी एफ निकालने के लिए राइट हैंड साइड को हमें जीरो करना होगा, राइट हैंड साइड को हमने जीरो कर दिया। ये हमने सी एफ निकालने के लिए क्या है, तो ये आ गया अपने पास डी स्क्वायर माइनस वन वाई इक्वल टू जीरो, या अपने पास इसको लिख सकते हैं हम सी एफ निकालने के लिए एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एम बराबर आ गया प्लस माइनस वन, और सी एफ बराबर आ गया अपने पास सी वन ई की पावर जेड प्लस सी टू ई की पावर माइनस जेड। फ्रेंड्स अगर ई की पावर जेड इक्वल टू एक्स है, तो यह आ चुका है अपने पास सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स इनवर्स, ये आ गया अपने पास। अब फ्रेंड्स हम हमारे पास का सी एफ निकल चुका है, हमारे पास सी एफ निकल गया है, तो इसको हम सी वन को ए से पुट करते हैं, इसको बी से जाता है कि हमारे पास जो हमने जो पहले हमने समझा था उसी के अकॉर्डिंग हमारे कोफिशेंट मैच हो जाए, इसलिए हमको ए एक्स प्लस बी एक्स इनवर्स हमने इसको लिख लिया। अब हमने दिए समीकरण का हमने हल, हमारे पास सी एफ आ गया सी एफ बराबर जो वाई बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स इनवर्स, इसको इक्वेशन नंबर वन दे लेते हैं फ्रेंड्स। अब हम मान लेते हैं लेट वाई इक्वल टू एक्स ए प्लस बी एक्स इनवर्स, जहाँ पर ए तथा बी है जो एक्स फंक्शन है, ये हमारे पास मान लिया कि ये हमारे पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये फ्रेंड्स हमने इसे कंप्लीट सॉल्यूशन मान लिया, तो हमने इसे कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स करना होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या जाएगा हमारे पास, इसको करने के लिए से ए और प्लस डी ए अपॉन डी एक्स, डी ए अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इनवर्स डी बी अपॉन डी एक्स प्लस प्लस इस बार बी को छोड़ दिया, तो हमारे पास आ गया माइनस का सॉरी माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ चुका है फ्रेंड्स हमारे पास। अब हम इसमें ए तथा बी को हम इस तरह से मानते हैं फ्रेंड्स, हमने पहले भी क्या था तो वो क्या था डी ए अपॉन डी एक्स प्लस सॉरी फ्रेंड्स डी ए अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इनवर्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, हमें इस तरह से हमको ए तथा बी को मानते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर टू दे देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, वो आ गया ए प्लस सॉरी ए माइनस या माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ चुका है हमारे पास। अब फ्रेंड्स ये आ गया, तो हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो वो आ जाएगा हमारे पास ए वन माइनस बी वन एक्स बार माइनस टू प्लस टू बी एक्स बार माइनस थ्री, ये आ चुका है फ्रेंड्स हमारे पास। इसको हम क्वेश्चन नंबर थ्री दे देते हैं। अब फ्रेंड्स हम अगर वाई की वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू हम जो इक्वेशन दी हुई है इसमें पुट करते हैं, हम इस इक्वेशन में पुट करने पर हमारे पास आ जाता है, इसको पुट करते हैं सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ए वन माइनस बी वन एक्स पावर माइनस टू इक्वल टू ई की पावर एक्स, फिर हमारे पास इसका सॉल्यूशन ये आ जाता है।
ए वन और बी वन की वैल्यू। अब फ्रेंड्स हम सिंपली ए वन की वैल्यू निकालते हैं, तो ए वन की वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं, ए वन बराबर होता है डी ए अपॉन डी एक्स। अब फ्रेंड्स हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, और हमारे पास एक और इक्वेशन आई थी, ये दो इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास। अब हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से ए वन एवं बी वन की वैल्यू निकालते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास जो वैल्यू आई थी उनको हमने यहाँ पे रख लिया है, यहाँ पे लिख लिया है हमने, तो ये वैल्यू आई थी हमारे पास जो हम यहाँ पे ये वैल्यू थी इसको हमने यहाँ पे पुट कर लिया है, तो ये आ गया डी ए अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इनवर्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ को इसको हम डी ए अपॉन डी एक्स को ए वन प्लस बी एक्स इसको हम बी वन दे सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं ए वन प्लस एक्स इनवर्स बी वन इक्वल टू जीरो। ये फ्रेंड्स हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, और ये सेकेंड इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन ये इक्वेशन है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम एक्स का मल्टीप्लाई करके दोनों का सम कर दें तो हमारे पास से ये कट जाएगा। तो इसमें हमने एक्स का मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स प्लस सॉरी ए एक्स माइनस बी इनवर्स एक्स इनवर्स इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स, और इसमें है ए प्लस एक्स इनवर्स बी इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स इसका हम सम करते हैं तो ये हमारे पास से कट गया, तो यह हमारे पास आ गया ए एक्स प्लस ए इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स ये ए वन है ए वन ए वन, तो ये ए वन ए वन इसको हम लिख सकते हैं ए वन इक्वल टू सॉरी ए वन कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स, या हम लिख सकते हैं ए वन इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। ये फ्रेंड्स हमारे पास ए वन की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह हम बी टू की वैल्यू निकालते हैं, बी वन की वैल्यू निकालते हैं, तो बी वन की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली हम यहाँ से कर सकते हैं ए वन इक्वल टू माइनस एक्स इनवर्स बी वन, या इसको लिख सकते हैं बी वन इक्वल टू ये एक्स इनवर्स है तो इधर हो जाएगा ये माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास बी वन की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। ये फ्रेंड्स हमारे पास ए वन एंड बी वन की वैल्यू हो गई है। फिर ए वन एंड बी वन क्या है हमारे पास यहाँ से फ्रेंड्स हम देख सकते हैं ए वन एंड ए वन क्या है डी ए अपॉन डी एक्स, तो इसको ए वन को लिखते हैं डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, या इससे हम ए निकालने के लिए सिंपली ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन ऑफ डी एक्स। फ्रेंड्स हमें ये इंटीग्रेशन करना है। फ्रेंड्स हमसे यहाँ सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो मिस्टेक ये थी हमने यहाँ पे जब उसको डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए प्लस एक्स डी ए अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इनवर्स ये आता है, तो यहाँ पे भी एक्स आता है, तो यहाँ पे एक्स आता है, तो उससे यहाँ पे अपने पास सॉरी यहाँ पे भी एक्स आता है, इसको हम एक्स लिख देते हैं। अभी यार काफ़ी गलत हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे ही आ जाता है, तो हमारे पास यहाँ से आ जाता है अपने पास यहाँ से। अब यहाँ से आगे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से आगे इसको सम करते हैं तो यह आ जाता है टू ए वन एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स, जो इम्प्लाई करता है हमारे पास एक्स से एक्स कट गया ए वन इक्वल टू वन अपॉन टू ई की पावर एक्स। अब ए वन क्या है अपने पास, ए वन है अपने पास डी ए अपॉन डी एक्स, तो डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये वन अपॉन टू सॉरी वन अपॉन टू ई की पावर एक्स। अब हम ए की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करने पर ए बराबर वन अपॉन टू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, जो कि अपने पास वन अपॉन टू ई की पावर एक्स ही है। ये फ्रेंड्स हमारे ए बराबर वैल्यू आ गई अपने पास वन अपॉन टू ई की पावर एक्स। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से बी की वैल्यू निकालते हैं, तो बी वन बराबर क्या था, बी वन बराबर था माइनस ए इनवर्स एक्स माइनस ए इनवर्स एक्स, तो ए वन बराबर क्या था हमारे पास, ए वन बराबर था वन अपॉन टू ई की पावर एक्स, तो बी वन बराबर आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू एक्स ई की पावर एक्स, ये आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास ये एक्स ए इनवर्स प्लस बी एक्स इनवर्स बी था, तो ए बराबर आ जाएगा हमारे पास वो माइनस ए इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारे पास बी वन बराबर आ गया माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, तो हमें इंटीग्रेशन करने पे बी बराबर अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स ऑफ डी एक्स, जो होता है अपने पास फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन टू
ई की पावर एक्स, माइनस का साइन बाहर ही है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू। इस तरह फ्रेंड्स हमारे पास बी वन की बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, और अपने पास सॉल्यूशन था वो था अपने पास बाई बराबर ए यू प्लस बी वी। तो ए की वैल्यू अपने पास क्या है, ए की वैल्यू अपने पास 1/2 ई की पावर एक्स, 1/2 ई की पावर एक्स। एंड वी की वैल्यू क्या थी फ्रेंड्स अपने पास, जो हमने वी की वैल्यू निकाली थी फ्रेंड्स, जो वाई का जो सॉल्यूशन था वो है वाई ए एक्स प्लस बी एक्स इनवर्स, ये सॉल्यूशन था। तो ये 1/2 ई की पावर एक्स प्लस सी वन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हमें, प्लस सी वन ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे भी सी टू ऐड करना पड़ेगा, तो माइनस 1/2 ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस सी टू अपॉन एक्स इनवर्स अपॉन एक्स इनवर्स। फ्रेंड्स ये हमारे पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है इस तरह से। फिर इस तरह से हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और एग्जांपल लेंगे, जिससे हम वो हमारे मेथड जो और अच्छे तरह से क्लियर हो जाए, इसलिए हम इसमें काफ़ी और एग्जांपल भी लेंगे आगे 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 की वीडियो में आपको और एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे।